can see and do contact it on all shopping. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सभी लोग अनअकैडमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास हो चुकी है शुरू। मैं सभी लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड आप लोग वेट कर लीजिए, एक सेकंड ही आपको हमारा वेट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा आप लोग को वेट नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्लास के लिंक को शेयर कर दूँ। मैं थोड़ा ये कर लूँ कि आपके मैं कमेंट ले सकूँ। अभी मैं एक्चुअली कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, कमेंट भी मुझे मिलना शुरू हो जाए तो आपके साथ ज़्यादा अच्छा हम बात कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सब लोग हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि क्लास शुरू हो सके। दो दिन बच्चा क्लास ऑफ थी, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। दो दिन क्लास ऑफ रही है, ठीक। अब बच्चा रेगुलर क्लास होगी। होप सो। मेरे साथ रवि वर्मा जुड़ गए हैं। रवि वर्मा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग बच्चा फटाफट जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। क्या हो रहा भाई, आज सब लोग कहाँ गायब हो, हैं? सब लोग ऐसे गायब रहोगे तो क्या होगा आज भाई, कहाँ सब लोग गायब हो मेरे लाल। रवि वर्मा, दिलीप टैलेंट हब, दीप टैलेंट हब, कहाँ सब लोग गायब हैं भैया। हे भगवान, सभी लोग फटाफट जुड़िए हमारे साथ। मैं देख रहा हूँ कौन कौन जुड़ रहा है हमारे। मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाल, आप सभी लोगों का। सब लोग बच्चा शेयर कर दो जरा क्लास को फटाफट। बहुत दिन के बाद दिखे, सब ठीक है सर? बहुत दिन बाद मतलब परसों और कल मैं नहीं दिखा। आप शायद मेरी क्लास में पिछले वीक नहीं, पिछली क्लास में नहीं जुड़े थे, दो दिन पहले वाली। सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए क्या कहते हैं कि क्लास नहीं हुई। और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, क्लास होगी, हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे। सभी लोग बताइए, मोहम्मद इमरान, बिल्कुल सब लोग भाई कहाँ आज गायब हैं, इसीलिए गायब हैं, मतलब दो दिन क्लास ना हो पाने के कारण सब लोग गायब हो गए हैं, ऐसा क्या है भाई? मैं देखता हूँ थोड़ा कमेंट एक बार मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फिर से अच्छे से, और सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। देखते हैं भाई कहाँ सब लोग हो। तो आज क्या दो लोगों के साथ हम लोग क्लास करेंगे क्या? इतनी कमजोर क्लास होगी आज हमारी, हैं? सब लोग कहाँ गायब हो भाई? मोहम्मद इमरान, उस दिन था जिस दिन आप बोल रहे थे फीवर लग रहा है हल्का आपको, अच्छा उस दिन आप थे,
उसी दिन के बाद तो शायद क्लास नहीं हुई थी। बोलिए भाई सभी लोग। भाई मोहम्मद इमरान शेयर कर दो सभी लोगों, 20 लोगों पे 5 ग्रुप, 20 लोग और 5 ग्रुप पे शेयर कर दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल, बहुत बहुत थैंक यू। आज भाई सब ये अंशील वर्मा वर्मा सब पता नहीं कहाँ गायब है। अंशील वर्मा हो गए, राधे श्याम हो गए, कितने लोग सब कहाँ भैया, ऐसे काम चलेगा? तो क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं। अनअकैडमी पे अगर हम बात करें तो आप सब लोग को यहाँ पे बहुत सारी, आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूँ कि मेरा शेड्यूल चेंज हो गया है, बदल गया है। शेड्यूल बदला क्या है ये बता दें, बदला मतलब YT क्लास जो है 9 o'clock पे ही होगी, यानी कि 9 PM पे हम लोग क्लास करने वाले हैं। किस चीज की? यानी कि जो क्लास होती ही ये चलती रहेगी YouTube पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुड इवनिंग रिचा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10:05 पे आप लोग को क्लास मिलेगी अनअकैडमी पे। ये बच्चा रेगुलर क्लास होगी, कहाँ पे क्लास मिलेगी? अनअकैडमी पे। सब लोग फटाफट हमारे साथ जुड़िए। देखिए राजेश पोरवाल मेरा नाम आप सब लोग को पता है, क्योंकि अनअकैडमी पे जब आप जाएंगे तो वहां पे राजेश पोरवाल सर्च करके ही हमें फॉलो करेंगे, तभी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग को मेरे क्लास का नोटिफिकेशन मिले। दीप टैलेंट हब भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। भैया कहाँ तुम सब लोग गायब हो आज हैं? SSC का क्लास के लिए कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो SSC इंग्रेव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्लासेस मिलेंगे। 28 अप्रैल से बच्चा बैच स्टार्ट हुए हैं, आप सब लोग क्लास कर सकते हो। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, आप सब लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें तो बेस्ट एजुकेटर के द्वारा कोर्स डिलीवर किया जाएगा, ये आप सभी लोग जान लीजिए। एक जो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, इसके साथ साथ एवरी संडे अनअकैडमी कम्बैट होता है। अंशील वर्मा सर कहाँ गायब हो गए थे? आज तुम लोग गायब हो अंशील वर्मा, हम बहुत अच्छे हैं। सबको शेयर करो यार, सब लोग कहाँ गायब हो? इस क्लास में इतने कमजोर लोग, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग इतना कमजोर पढ़ोगे। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिए, तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए मैं आप लोग के लिए रंगीन व्यवस्था लाया हूँ। आप सर कहाँ गायब हो गए थे? सब लोग शेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल, हम बच्चा गायब कहीं नहीं हुए थे, हम थोड़ा क्या कहते हैं चले गए थे भाई। ये क्या हो गया? ये क्या? वही हम सोचे, आधी हिंदी आधी इंग्लिश इसमें लिखी, मतलब आधी जो बायोलॉजी लिखी, जमीन और आसमान का फर्क हो रखा है। बिल्कुल अंशिल वर्मा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गुड परफॉर्मेंस फॉरवर्ड 10, बहुत अच्छे। तुम तो हमको क्या कहते हैं, निर्मा के ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहते हो, हैं ना? लाठी ना भैंस। देखो बच्चा, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन, प्रपोज द एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये वाला बच्चा देखना लिखा है, हु प्रपोज द एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्योंकि इंग्लिश हिंदी की क्लास बच्चा आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूं मैं, आप लोग के लिए हिंदी शुरू करने वाला हूं, इसलिए उसकी मैं उसके कोर्स पे काम करवा रहा हूं। तो इसी में क्या हो गई, गलती हो गई टाइप करने में उससे। तो यहाँ देखिए ये गलत है भाई, ये चीज ध्यान दीजिए। लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हु प्रपोज द एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक, डार्विन ने दिया था, विलियम ने दिया था, हॉक्सले ने दिया था, या लैमार्क ने दिया था। सभी लोग आंसर बताइए। इमरान भाई देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका है भाई। दीप टैलेंट हब
देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका मिला है। तो सबसे पहले सही जवाब हमें मिला है किसका, सबसे पहले सही जवाब मिला है अंशिल वर्मा का। बिल्कुल बच्चा, अंशिल वर्मा करेक्ट जवाब है। डार्विन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डार्विन साहब ने ही क्या किया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का यानी कि सिद्धांत दिया था। इसकी अगर बात करें तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी इनका सिद्धांत था। डिसेंट ऑफ मैन एक पुस्तक लिखी थी, उसी में इस सिद्धांत को बताया गया था। बिल्कुल मोहम्मद इमरान, सब लोग अगला क्वेश्चन, सभी लोग थोड़ा जोश में आ जाओ बच्चा। लेकिन जोश में आने का मतलब यह नहीं कि जोश में होश ही खोल बैठो, जोश में आ जाओ सब लोग, पूरे पूरे जोश में आ जाइए फटाफट। और सब लोग हमें बताना शुरू कर दीजिए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी लोग बताइए आंसर। लिखा, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है, टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील विथ। लिखा, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान पर, एनाटॉमी शरीर की रचना विज्ञान पर, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के सिद्धांत पर, इकोनॉमिक यूजेस आर्थिक प्रयोग के आधार पर। सभी लोग देखते हैं सबसे पहला सही जवाब किसका है। सबसे पहला सही जवाब फिर से मिला हमें अंशिल वर्मा का। गुड परफॉर्मेंस वैसे सभी लोगों का, जितेंद्र मौर्य, रवि वर्मा, सब लोग का आंसर सही है मेरे लाल। लेकिन सबसे पहले जो सही जवाब, जो इस नियम, इस क्लास की एक प्रथा है, जो प्रोटोकॉल है कि जो सबसे पहले जिसका आंसर सही होगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, वही बताया जाएगा। तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अंशिल वर्मा सही है। इसकी अगर बात करें तो बच्चा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से वर्गीकरण में किसके बारे में बताया गया है। वर्गीकरण का मतलब ही होता सारे जीवों का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण में बताया क्या जाता है, वर्गीकरण में किसी भी जीव की जात के बारे में बताया जाता है, किसी भी जीव के वंश के बारे में बताया जाता है, किसी भी जीव के संघ के बारे में बताया जाता है, किसी भी जीव के अगर हम बात करें तो लक्षण के बारे में भी बताया जाता है। किसके बारे में, लक्षण के बारे में। बहुत अच्छे, मेरी बायोलॉजी ठीक नहीं, कोई बात नहीं मेरे लाल, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग, आप लोग अच्छा ये बताओ सबसे पहले, अब ये रंगीन रंगीन पीपीटी तुम लोग को मजा आ रहा है, रंगीन वाला कुछ मजा आ रहा है, हमने रंगीन करवा दिया तुम लोग के लिए व्यवस्था। वैसे रंगीन थोड़ा क्लियरली दिख भी रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है, क्यों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक, लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। सभी लोग आंसर बताइए, देखते हैं भाई सबसे पहले सही जवाब किसका है। सब लोग भाई शेयर करिए थोड़ा आज। लिखा, पहला क्वेश्चन है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट एब्जॉर्ब इन रेड फॉर रेड रीजन ऑफ लाइट, यानी कि कौन सा ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जो लाल कलर को एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल या कुछ, या लिखा है फाइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा। सब लोग क्या कहते हैं सही जवाब, देखते हैं सबसे पहला इसका सही जवाब किसका सही होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बच्चा, देखो इसकी अगर सही जवाब की बात करें तो सबसे पहला सही जवाब दीप टाइलेंट, नहीं दीप टाइलेंट हब का भी सही जवाब नहीं है। हाँ सही है, फाइटोक्रोम दीप टाइलेंट हब बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। इसका बच्चा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, फाइटोक्रोम है। क्या है बच्चा, फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम की अगर बात करें, कोई बात नहीं मेरे लाल, सब कुछ अच्छा होगा। फाइटोक्रोम की अगर बात करें तो पौधों द्वारा, पौधों में प्रकाश, फाइटोक्रोम जो है वो पौधों के द्वारा किस रेट पे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, यानी कि कितने प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा, इस चीज का आकलन किया जाता है। इस स्केल को दर्शाने का काम, इस स्केल को संपन्न कराने का काम फाइटोक्रोम करता है। वैसे भी फाइटो रिसेप्टर एक होता है, फाइटो रिसेप्टर की अगर बात करें तो फाइटो रिसेप्टर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम के माध्यम से ये दिखाता है कि कौन से रंग कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है और किस रेट ऑफ वेलोसिटी से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो हो रही है वो कंप्लीट हो रही। अगला क्वेश्चन है, फूल सुगंध छोड़ते हैं बच्चा, फूल सुगंध छोड़ते हैं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि फूल खुशबू मारते हैं, वैसे एक बात ये जान लीजिए, वैसे खुशबू देवी जी गायब है आज, खुशबू बहुत दिन से गायब चल रही, खुशबू भाई हमारे साथ जुड़ी नहीं। देखिए आंसर क्या होगा, सुगंध छोड़ते हैं फ्लावर्स इमिट फ्लोरेंस
या नहीं फ्रेग्रेंस टू लिखा प्योरीफाई एयर, ठीक, ड्राइव अवे फ्लाइज, सभी लोग आंसर बताइए, अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक, परफॉर्म द, लिखा परफॉर्म द ऑल एवर, उपर्युक्त सभी सही हैं। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका होगा। ये बच्चा अंशील वर्मा का सबसे पहले सही जवाब आया, किसका, मोहम्मद इमरान का, बिल्कुल सही जवाब है। इसकी अगर बात करें तो बच्चा फूल खुशबू इसलिए छोड़ते हैं ताकि ये इंसेक्ट को यानी कि कीटों को अपनी ओर क्या कर सके, कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो कीट हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सके। ये काम होता मुख्य रूप से किसका, यानी कि सुगंध का काम होता कीटों को आकर्षित करना। जब कीट आकर्षित होते हैं तो कीटों को भी ये शिकार बना लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट भक्षी हैं, उन्हीं पौधों उन कीट भक्षी के जीवों को खाकर ही वो अपना क्या करते हैं, जीवन का निर्वहन करते हैं। तो इसलिए सभी लोग, आप लोग जान लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, कीटों को आकर्षित करना। ये बच्चा कीटों को ही नहीं हर किसी को आकर्षित करते हैं। रंग और सुगंध याद रखिएगा, जो फूलों का रंग होता है और जो फूलों की सुगंध होती है, ये बच्चा आकर्षित करने के लिए होती है। किसके लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तुम ही सोचो, जब पहला कोई तुम्हारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो सबसे पहले तुम फूल देने की कोशिश करते हो, नहीं करते हो। फूल क्यों देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इसमें जो सेपल हैं, सेपल इसके जो रंगीन कलर की पंखुड़ियां हैं वो, और इसमें उपस्थित जो सुगंधित है, सुगंध है, वो बच्चा अट्रैक्ट करवाएगी, यानी कि आकर्षण लेवल को बढ़ा देगी। ये इनका मुख्य रूप होता है। हालांकि वो आकर्षण तुम्हारा उधर काम निकल जाता है, वो अलग चीज है। मुख्य रूप से ये अपने लिए आकर्षित करते हैं, लेकिन इंसान ये कैसा खोज करता है, इंसान क्या कहते हैं, दूसरे काम में भी अपनी यूटिलिटी बड़ी आसानी से फिट कर लेता। हमारे साथ दिव्या जायसवाल जुड़ चुकी हैं। दिव्या जायसवाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आप सभी लोग का स्वागत है। गुड परफॉर्मेंस सभी लोग, क्या कहते हैं, तुम लोग तो हमारी क्लास में जुड़ते ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, सब लोग जुड़ा करो। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताइए। हाँ तुम भैया आकाश कुमार, हमको फूल ना भेजो, कहीं और फूलों का इन्वेस्टमेंट करो, कहीं हो सकता लॉटरी निकल आए। क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्नलिखित में से कौन रोकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ गम्स, लिखा है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी, ठीक, वैसे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, या निकोटिनामाइड या थायमिन। सभी लोग आंसर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डेविड इज लाइव, गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं सबसे पहला सही जवाब किसका, वैसे मैं देखने की कोशिश करूंगा सबसे पहले सही जवाब जो है वो किसका है। सबसे पहले सही जवाब आया है बच्चा दीप टैलेंट हब का। आप लोगों को बता दें ये क्लास 9 बजे संपन्न होती है। इस क्लास का एक प्रोटोकॉल है, इस क्लास का एक नियम है। नियम ये है कि जो सबसे पहले आंसर बताता है, सबसे पहले कमेंट देता है, उसका नाम कंसीडर किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। इसलिए जितने लोग हमारे साथ, वृंदावन लोधी, जितने लोग हमारे साथ नए लोग हैं, वो सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोशिश करें पहले से पहले आंसर दें। मेरा सही है सर। स्टार्ट कब होती, रोज 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है। द पोरवाल पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लेकिन क्या कहते हैं, तुम लोग ज्वाइन करके भूल जाते हो। चलिए देखते हैं, तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी की जब कमी आती है, स्कॉर्बिक एसिड की जब कमी आती है, तो केवल मसूड़ों से आपका ब्लड ही नहीं बहता। मसूड़ों से जब ब्लड बहता है तो उसमें बीमारी कौन सी होती है, स्कॉर्बिक एसिड। इसके अगर हम बात करें तो बहुत सारे, पायरिया भी हो सकता है, इसके अलावा क्या कहते हैं, विटामिन सी की कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। फ्लोरोसिस जो होता है, फ्लोरोसिस का नाम सुना होगा, वो भी एक मसूड़े की प्रॉब्लम है। वो भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विटामिन के अभाव में ही होती है। देखिए विटामिन जो है, विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन क्या करती है, आपके शरीर को बीमारी से रोकने का काम करती है। आपके शरीर को विटामिन से रोकने का काम करती हैं जो विटामिन बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सभी लोग ये चीज जान ली, विटामिन को रोकने का काम करते हैं। दूसरी सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, लेकिन विटामिन जब क्या होती, कम होती, तो अन्य चीजें क्या होती, वाहक बनकर हमें क्या कर देती हैं, उस बीमारी से क्या करती हैं,
हमको ग्रसित कर देती हैं, तो इसलिए विटामिन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई, व्हिटकर ने दिया था, हेकल ने दिया था, लिनियस ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। सभी लोग आंसर बताइए, फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने किसका आया था? सबसे पहले सही जवाब देखते हैं किसका आया है। सब लोग सबसे पहले सही जवाब किसका आया है यह मैं देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सब लोग उससे पहले फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि सबसे पहले कमेंट करना ही बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले सही जवाब देना भी बड़ी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले सही जवाब जो हमें मिला है वह अंशील वर्मा का मिला है। भावी कुमार, प्रीमियम का क्या हिसाब है, फ्री है या पेड है? बच्चा प्रीमियम की अगर बात करें, प्रीमियम का मतलब यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, यहाँ पर जितना भी आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलेगा सब कुछ आपको फ्री मिलेगा मेरे लाल माय डियर, लेकिन जो आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा वहां पे आपको बैचेस जो लॉन्च होते हैं, जो बैच होते हैं, उनका अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब इसमें हमें किसका मिला है, सबसे पहले सही जवाब किसका मिला है, तो सिक्स का आंसर सबसे पहले दिया गया है किसके द्वारा, अंशील वर्मा के द्वारा सबसे पहले सही जवाब बताया गया है। व्हिटकर, इनकी अगर बात करें तो ये व्हिटकर साहब जो थे इन्होंने सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था, फाइव किंगडम यानी कि पांच जगतीय प्रणाली को दिया था। यानी कि व्हिटकर साहब का कहना यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सभी सजीवों की अगर हम बात करें तो पांच जगतों में बांटा गया। कितने जगत में? पांच जगत में। उसमें कौन कौन से जगत हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे पहले किंगडम की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं जैसे जंतु यानी कि एनिमल्स आ सकते हैं, दूसरा इनका किंगडम जो था उसकी अगर बात करें तो पादप भी आ सकते, पादप आते हैं, तीसरे किंगडम में इसमें कवक यानी कि फंजाई आते हैं, वैसे चौथा किंगडम आपने इस पढ़ा होगा मोनेरा, नाम सुना है नहीं सुना है? मोनेरा किंगडम का नाम सुना नहीं सुना? मोनेरा। और पांचवा किंगडम जो इनका था उसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था बच्चा? प्रोटिस्टा। ये पांच जगतीय प्रणाली इन्होंने दिया था। अगला हम किसी दिन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को एक बात और बता देते हैं, एक बच्चे ने हमारे साथ, हालांकि वो स्टूडेंट जुड़ा नहीं है, आप लोगों को जानकारी की बात ये बता दें कि 9 बजे यानी कि आपको परसों 2 मई को एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जिसमें सेल डिवीजन की क्लास होगी। ऑन डिमांड एक टॉपिक आया है, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था सर सेल डिवीजन बता दीजिए, तो आपको उस दिन क्लास में एक तो हम पढ़ाएंगे सेल डिवीजन क्या है, उस सेल डिवीजन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो क्या है, उन सारी चीजों को आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, बताइए क्वेश्चन सभी लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है काइटिनी, काइटिन होता है काइटिनी नहीं होता है, काइटिन बाह्य कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं, यानी कि काइटिन से बाह्य कंकाल बना होता है ऐसे कौन से जीव हैं, इसका आंसर आप सभी लोग हमें बताने की कोशिश कीजिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका मिल रहा है, कौन से होते हैं एनिमल्स विद इन द काइटिनस स्केलेटन आर इंसेक्ट, कीट, स्पंज, सी और चीज, समुद्री घोड़ा, स्नेल, घोंघे। सभी लोग देखते हैं भाई, तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब सबसे पहले किसका मिला है, मैं देखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले सातवें का क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो आया है वो किसका आया, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, रिचा का सबसे सही जवाब है। रिचा ने सातवें क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। इंसेक्ट जो होते हैं यानी कि जो कीट होते हैं बच्चा, इनका जो बाहरी स्केलेटल सिस्टम होता है, इनका जो बाहरी कंकाल होता है वो बच्चा किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। केवल कीट का ही नहीं, आप लोग को एक बात और बता दें, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं यानी कि जो मानव है, इसकी बात भी अगर हम करें तो ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता बच्चे? काइटिन का बना होता। किसका बना होता? काइटिन का। क्यों? ध्यान दीजिएगा, काइटिन क्या,
काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन मानव के पेट में हजम नहीं होता है, ये भी हम आप लोग को बताए हैं, शायद मैं पढ़ाया भी। तो काइटिन की अगर बात करें तो काइटिन जो होता है दो चीजें से बाह्य कंकाल बना होता है। एक काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम केराटिन है। बाह्य कंकाल क्या है? जैसे मानव के बाह्य कंकाल में क्या आएंगे बच्चा? तो इसमें बाल जानते हो बच्चा तुम लोग, यानी कि ये जुल्फे, ठीक, ये जो है ये किसके बनी होती हैं? आपकी काइटिन से। इसके अलावा नेल्स यानी कि नाखून जो होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? काइटिन से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेल्स के अलावा आपके हो सकते हैं नेल्स, नाखून की अगर बात करें तो वो भी काइटिन से। नेल्स के अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो स्किन होता है ये भी बच्चा काइटिन का बना होता है। किससे बना होता? काइटिन, बाल, नाखून, त्वचा, ये तीन चीजें काइटिन की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, सभी लोग फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। कहाँ सब लोग गायब हो जाते हो भैया मेरे लाल? सब लोग कहाँ गायब हो जाते हो? सब लोग आंसर फटाफट बताइए, सब लोग बताइए आंसर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि कीटाणुकृमि होता है? लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेप वार्म, कौन सा है जो कीटाणुकृमि है? रवि वर्मा गायब हो गए थे, तो देखते हैं सबसे पहला सही जवाब किसका आया है। सबसे पहला सही जवाब ऑप्शन है फैसियोला, ऑप्शन है सिस्टोसोमा टीनिया सोलियम, ऑप्शन है एंटेरोविसियस। तो सभी लोग आंसर बताइए। वैसे मैं देखने की कोशिश करता हूं सबसे पहला सही जवाब जो मिला है, रवि वर्मा ने सबसे पहले सही जवाब बताया बच्चा, टीनिया सोलियम जो होता है। कौन सा? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की अगर बात करें तो टीनिया जो है इसकी अगर बात करें तो ये टीनिया वंश से संबंधित है। ये एक प्रकार का फीता कृमि होता है, टेप वार्म होता है। इनमें अगर बात करें तो ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब ये परजीवी होता है, दूसरों से अपना भोजन क्या कहता है? ग्रहण करता है। मुख्य रूप से टीनिया सोलियम की अगर बात करें तो टीनिया सोलियम जैसे केचुए होते हैं वैसे ये आपको देखने में लगता है, इसलिए इसको कहते हैं ये फीता कृमि है। ये यानी कि क्या? टेप वार्म है, एक प्रकार के वार्म जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी अगर बात करें पैरासाइट है, हमने बताया जैसे केकड़ास, ठीक, पैरासाइट होता है, सॉरी माफी चाहते हैं, पैरासाइट यानी कि दूसरों से क्या कहता है? प्राप्त करता है। आप लोगों को जानकारी की बात बता दें, ये टीनिया सोलियम जो है ये बच्चा मानव की आंत में भी कभी कभी क्या होता है? पनप जाता है। किसमें पनप जाता? मानव आंत में भी पनप जाता है, तो दिक्कत होती, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? द स्केवेंजर्स ऑफ अर्थ आर, मिट्टी के अपमार्जक कौन है? सभी लोग बताइए। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन है एल्गी, ऑप्शन है फंजाई। वैसे क्या कहते हैं इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? सबसे पहले बताइए, सबसे पहले सही जवाब किसका आया है देखता हूं भाई। वैसे क्या कहते हैं, रवि कुमार और रवि वर्मा दोनों एक एक नाम सेम सेम कर लिया तुम लोगों ने, क्या भाई कि एक ही लोग हो, दो फोन से काम चला रहे हो? सब लोग आंसर बताइए। वैसे इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका सही जवाब किसने बताया है? रवि वर्मा ने इसका सही जवाब बताया, रवि वर्मा टू, जो भैया गिटार लेके पकड़े हुए हैं वो रवि वर्मा टू है, जो गिटार नहीं लिए हुए हैं वो रवि वर्मा वन है। तो यहाँ पे जान लीजिए आप लोगों में यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे ये समझिएगा। एक ही लोग दो मोबाइल, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मेरे लाल। इसकी अगर बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई यानी कि कवक और क्या कहते हैं जो जीवाणु होते हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग किसमें होता है? अपमार्जक के रूप में होता है। अपमार्जक की अगर बात करें तो अपमार्जक मैं बताई पहले, देखता हूं भैया गलती हो गई। अरे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई देवी जी। सबसे पहला जवाब हमें दिव्या जायसवाल का मिला है। किसका जवाब मिला है? दिव्या जायसवाल का। गुड परफॉर्मेंस दिव्या जायसवाल, कमाल हो गया।
हाँ, अब सब लोग कह दो मैंने दिया मैंने दिया, तो फिर क्या? देखिए तो यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई दो ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, ये अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। स्कैवेंजर्स उनको कहा जाता है जो पदार्थ को कंपोस्ट कर सकते हों, यानी कि जो पदार्थ को नष्ट कर सकते हों, सड़ा गला सकते हों, उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स की अगर बात करें तो इसमें दो लोग ऐसे हैं जो पदार्थों को क्या कर सकते हैं, सड़ा गला करके नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन है बच्चा? तो यहाँ पे नष्ट करने का काम कौन कर सकता है? तो नष्ट करने का काम फंजाई और बैक्टीरिया, वैसे ये दोनों क्या करते हैं, कंपोस्ट करने का काम करते हैं, इसलिए स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, सभी लोग बताइए आंसर। लिखा मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थाई अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू एज सर्टेन ह्यूमन, यानी कि ऑस्टिफिकेशन, अब याद रखो ये तुम्हारे जीवन में काम आएगा। राइजोबियम मिट्टी में एजेटोबैक्टर, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। गुड परफॉर्मेंस, कमाल हो गया, दीप टैलेंट हब, वाकई तुम टैलेंटेड हो मेरे लाल। लिखा ब्रेन इफिशियंसी, मस्तिष्क की क्षमता, टेंटेटिव एज अंतरिम आयु, टेंटेटिव हाइट अंतरिम ऊंचाई, ड्रग एडिक्शन औसत वयस्क, सभी लोग आंसर बताइए किसका पता लगाते हैं। वैसे बच्चा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका हमको लगता है, नमस्ते नमस्ते आरती पटेल देवी जी, नमस्ते नमस्ते, इसका अगर हमको लगता है इसका सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, सही जवाब वैसे इसमें क्या कहते हैं, हमें गलत लग रहा है। इससे जो ऑसिफिकेशन जो टेस्ट होता है, इससे पता लगाया जाता है नई हड्डी के विकास का। किसका पता लगाते हैं? नई हड्डियों के विकास का पता लगाते हैं कि कौन सी हड्डी डेवलप हो रही है, कौन सी हड्डी का विकास हो रहा है, कौन सी हड्डी का विकास नहीं हो रहा। इस चीज का पता लगाने की जो विधि है उसे ऑसिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि ये जवाब, ये क्या कहते हैं, क्या है, गलत है। सभी लोग ध्यान दीजिए, 1 सेकंड जरा वेट करिए, मैं इसका फोटो खींच लेता हूं ताकि मैं वो भेज सकूं एडिट करने के लिए। तो सभी लोग क्या कहते हैं, ये सभी लोग जान लीजिए, बहुत अच्छे, कमाल हो गया भाई, कमाल नहीं धमाल हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ ऑप्शन होगा, मस्तिष्क क्षमता नहीं। अगला क्वेश्चन है मायोपिया रोग का संबंध किससे? मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विथ लंग से है, फेफड़े से है, या बच्चा क्या कहते हैं, ब्रेन से है, कान से है, आंख से है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला सही जवाब। आपको जवाब भी देना तो क्वेश्चन के साथ देना है। सबसे पहले सही जवाब आया है किसका? रवि वर्मा का सही जवाब आया है। इसकी अगर बात करें तो ये आंखों से संबंधित है। मायोपिया को हिंदी में कहा जाता है, देखो इसीलिए तुम लोग को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कम से कम हिंदी की कोई भी चीज हो, हेडिंग तो हिंदी इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए। मायोपिया हिंदी में भी लिखा, एक्चुअल में मायोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? मायोपिया को हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं बच्चा? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में समस्या कहाँ की आती है? तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। कहाँ की वस्तुएं नहीं साफ दिखती हैं? दूर की, मोतियाबिंद नहीं, ये अलग चीज है मोतियाबिंद। इसमें बच्चा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। अब दूर की चीजें कौन सी हैं? ट्रैफिक सिग्नल नहीं देख पा रहे हो, टीवी सिनेमा नहीं देख पा रहे हो, आप क्या कहते हैं कि कोई नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, इन सब चीजों में आपको कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से ये रोग जो है इसको मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, लिखा मुर्गी पालन यूनिट में लागत का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? इन पोल्ट्री, पोल्ट्री होना चाहिए, इन पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग, सही
कॉस्ट ऑफ सीस कॉस्ट, मुर्गी दाना, परिवहन, चूजे, दवाइयां, ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हमें लग रहा। इसकी अगर बात करें तो इसका लिए सबसे सही जवाब जो होगा, देखिए बहुत लोग अपना सही जवाब बताने की कोशिश किया है, सब लोग बता रहे हैं, वैसे सही जवाब रीचा का सही है। सबसे ज्यादा जो मुर्गी पालन में कॉस्ट आती है वो किसकी आती, मुर्गी के दाना की कॉस्ट आती। पोल्ट्री फार्म अगर कोई खोलता है तो उसमें मुर्गी के दाना। इमरान भाई वाह मौज ले रहे हो बेटा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मुर्गी दाना जो है, मुर्गी दाना पे ही जो कास्ट आती है वो कास्ट आती है। नुकसान जो होता है वो मुर्गी की डेथ का नुकसान होता है। गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताइए। लिखा निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। बल्ब ऑफ ऑनियन, प्याज का बल्ब, कॉर्म ऑफ रवि, अरबी अरबी यानी कि अरबी का घनकंद, ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो शकरकंद का कंद, टबर ऑफ पोटैटो आलू का कंद। सभी लोग बताइए क्या परिवर्तनीय नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करें बच्चा तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब देखते हैं, सबसे पहले सही जवाब किसका है। सबसे पहले सही जवाब मुझे मिला है रिचा का। रिचा की अगर बात करें तो रिचा का आंसर बिल्कुल सही। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा परिवर्तनीय नहीं, तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। देखिए समझा देते हैं। आंशिक रूप से क्या होता है कि जो परिवर्तित तना होते हैं वो एक पौधे का भाग होता है। पौधे का भाग जो है वो कुछ समय में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दूसरे तना के रूप में। जैसे आलू की अगर बात करें तो क्या जन्म, जैसे कोई पौधा बीज उगा नहीं कि आलू थोड़ी ना निकल आता, पहले क्या होता है उसके तना निकलते हैं, पेड़ निकलता है, फिर नीचे से पोटैटो लटकना शुरू होते हैं, ठीक। तो ये परिवर्तन होता, क्या होता, परिवर्तन होता। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक आकृति जो विकसित होती, आकृति जो विकसित होती उसी को कहा जाता है इसके तने का रूपांतरण हो रहा, यानी कि उसके रूप का क्या हो रहा बच्चा, अंतरण हो रहा। तना एक ही चीज है, बस उसके रूप का क्या होता, अंतरण होता, आकृति बदलने लगती। अगला क्वेश्चन है, लिखा क्लाइटेलम किसमें पाए जाते हैं। क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है। क्लाइटेलम इज फाउंड इन लीच में, स्नेल में, या नेरिस में, या अर्थवर्म में। सभी लोग आंसर बताइए भाई, सबसे पहला सही जवाब किसका है। ऐसा क्वेश्चन हो चुका, इसमें अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई। सबसे पहले सही जवाब किसका आया, सबसे पहले सही जवाब सब लोग कमेंट करके बताइए, सबका आंसर मिलना चाहिए। आशीष यादव, मधु मौर्य, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे, कमेंट सब लोग करें माय डियर। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका सही जवाब अंशील वर्मा कहाँ गायब हो। इसके दो आंसर वैसे सही होंगे, एक तो लीच यानी कि जो जोंक होती है उसमें भी क्लाइटेलम पाए जाते हैं, और दूसरा जो केचुआ होता है उसमें भी क्लाइटेलम पाए जाते हैं। जोंक और केचुआ में क्लाइटेलम होते क्या, इसकी अगर बात करें तो जोंक के सिर पे एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, जो ग्रंथिल संरचना होती, गांठ जैसी संरचना होती, उसी को क्लाइटेलम कहा जाता है। जैसे केचुआ जो होता, केचुए के अगर स्ट्रक्चर देखे तो ऐसे क्या होता, कई जगह से ऐसा लगता खंड है, क्या है बच्चा, खंड। इन खंडों पे क्लाइटेलम का विकास होता, किसका विकास होता है, खंडों पे क्लाइटेलम का विकास होता। दो आंसर वाला क्वेश्चन ना पूछो, अरे मेरे लाल तो क्या करें, इसमें जब ऑप्शन सही है तो हम गलत थोड़ी ना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो उसका सुधार हो जाएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जाके कहीं एग्जाम में कोई गलती हो गई तो वो फिर हमारे लिए दुखद बात हो जाएगी, वो घटना हमारे लिए दिक्कत कर जाएगी,
इसलिए यहाँ जो दिक्कत हो होने दो, लेकिन वहां पे कोई परिवर्तन ना आने पाए, वहां पे कोई दिक्कत ना होने पाए, ये पूरी कोशिश की जाती है। समझ में आई बात मेरे लाल? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएं भाई। लिखा है मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? द टाइप ऑफ फ्रूट ऑब्टेन ड्रॉम मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। ठीक, गाइनोसियम होना चाहिए। गाइनोसियम इज कंपोजिट गुच्छेदार सामान बहुखंडीय। सभी लोग आंसर बताइए। आशीष यादव गुड नाइट सर जी। अरे भैया गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग मेरे लाल। ठीक आशीष यादव, गुड नाइट जब सोने चलते हैं तब हम लोग करते हैं। चलिए सभी लोग, ये अंशील वर्मा कहाँ गायब हो गए, उनका एक भी कमेंट नहीं मिल रहा। तुम लोग बेटा आज क्या कहते हैं, जब कम लोग हैं तो तुम लोग जरूर गायब हो जाओ। तो यहाँ पे हाँ मेरी नाक कटा दो, तुम लोग क्या कहते हैं। देखिए भाई यहाँ पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब की अगर बात करें तो कौन से फल होते हैं जो क्या होते हैं, इसकी कम कौन से फल होंगे, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। गुच्छेदार संयुक्त। देखिए बच्चा इसका वैसे सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा क्या, एग्रीगेट यानी कि गुच्छेदार फल। क्योंकि होता क्या है इसमें हम बता देते हैं, इसमें लिखा मल्टी कैपिलरी। मल्टी कैपिलरी का मतलब क्या है, देखो जैसे अंगूर ले लो, ठीक मल्टी कैपिलरी की अगर हम बात करें तो मल्टी कैपिलरी है क्या, समझने की कोशिश करिए एक सेकेंड। कौन, हेलो कौन, अरे बाद में मैं कॉल करता हूँ दादा, ठीक है मैं क्लास ले रहा हूँ। देखिए गुड परफॉर्मेंस मेरे लाल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सर पेपर कब होगा आशीष यादव जी, पेपर पहले करो ना जाए फिर क्या कहते हैं कि। अच्छा अंशील वर्मा डिनर कर रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस। देखो बच्चा जैसे यहाँ पे होता क्या, इसको समझा देते हैं समझिएगा। अब जैसे मल्टी कैपिलरी का मतलब क्या, इसमें क्या होता है इन फलों का निर्माण जो होता वो गाइनोसियम मादा के हिस्से से होता, जितने क्या कहते हैं ओबरी होते हैं, क्या बच्चा जितनी ओबरी होती है, ओबरी से जितने अंडाणु निकलते हैं यानी कि जितने अंडा निकलेंगे, प्रत्येक अंडा एक एक फल का क्या कहता निर्माण करता, और जब बहुत सारे फल बनेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो ये गुच्छेदार क्या कहते हैं फल तैयार होता है, गुच्छा तैयार हो जाता। अंगूर ले लीजिए, आम ले लीजिए, ये सब बच्चा मल्टी कार्पिलरी होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी कार्पिलरी। हमारे साथ सलीना अख्तर भी जुड़ी हैं। सलीना अख्तर ये बच्चा तुम्हारी जो भाषा लिखी ARSCMOP बच्चा, ये सलीना अख्तर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देवी जी ये चाइनीज भाषा या कोरियाई भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये भाषा, थोड़ा आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें या हिंदी में, ठीक दोनों में से कोई एक ही भाषा हम समझ पाते हैं। लिखा है कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं, सभी लोग आंसर बताइए। प्रियंका सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डिजर्ट आर, लिखा एपीफाइट्स जीरोफाइट्स हेलियोफाइट्स या साइक्योफाइट्स थियोफाइट्स, सभी लोग आंसर बताइए। देखते हैं, वही चीज मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल प्रियंका जी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मेरे लाल। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका है, तो सबसे पहले सही जवाब मुझे मिला है किसका मिला है, दीप का सबसे पहले सही जवाब मिला है।
जीरो फाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो फाइट। ऐसे पौधे जो क्या कहते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, ऐसे पौधे जो किसी मरुस्थल में उगते हैं, उन पौधों को हम बोलते हैं क्या? जीरो फाइट्स बोलते हैं। इन पौधों की जड़ें बच्चा काफी लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि जड़ों का काम यानी कि रूट्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, क्योंकि इनका काम जो होता है, इनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबी इनकी जड़ें पाई जाती है, क्योंकि डिजर्ट में वाटर लेवल जो होता है वो काफी नीचे होता है। बहुत अच्छे। स्टार्ट डे विथ फन, गुड परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा बच्चा, इसको फन देखने को कहीं नहीं मिलता। ठीक, अगला क्वेश्चन सभी लोग बताइए फटाफट, सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, युग्मनज और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? कपलिंग एंड रिपल्सिंग आर टू स्टेट्स, किसकी है? सहलग्नता की है। सभी लोग देखते हैं सबसे पहला सही जवाब किसका आया है, कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब लिखा है। लिंकेज, सहलग्नता या चेंसमा यानी कि कांजेमा, कांजेमा या म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, क्रॉसिंग ओवर। सबसे जवाब, अगर सबसे पहला सही जवाब जो मिला है वो किसका मिला है, ये मैं देख के थोड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहला करेक्ट जो आंसर मिला है वो रवि वर्मा का मिला। रवि वर्मा बिल्कुल सही जवाब है। इसकी अगर बात करें तो इसको लिंकेज कहा जाता है, सहलग्नता बोलते हैं। लिखा युग्मन, युग्मन का मतलब होता है जोड़े, प्रतिकर्षण का मतलब होता है, देखिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि सहलग्न लक्षण क्या है, जब दो क्रोमोसोम यानी कि जब दो गुणसूत्र क्या होते हैं, दो गुणसूत्र मिलकर एक पेयर बनाते हैं यानी कि वो युग्म बनाते हैं, तो उसी को युग्मन विधि कहा जाता, और एक दूसरे को से वो इंटरकनेक्ट होते हैं। सर मेरा था क्या? आपका नहीं था मेरे लाल, आपसे पहले सबसे पहले रवि वर्मा ने आंसर दिया था। ठीक, तो वो जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं उसको लिंकेज प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो वंशानुगत स्वतंत्र होकर एक साथ क्या होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसी को सहलग्नता बोलते हैं या लिंकेज कहते हैं। ठीक है, वो चलते रहते हैं, अनुवांशिक जीन जो होते हैं उनका मतलब। रवि इज फर्स्ट, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? लिखा है, स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर बाय दियर एंथर एंड ऑल्सो विद द पेटल्स इन लेग्यूमिनेसी, लेलिएशी, कंपोजिटी, यूफोर्बियेसी। सभी लोग देखते हैं सही जवाब सबसे पहले किसका आया है। सबसे पहले सही जवाब देखने की बात करते हैं, तो सबसे पहले सही जवाब, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे आंसर तो सभी ने बताया है, लेकिन सही जवाब बच्चा कुछ ही लोगों का है। रवि वर्मा जो है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी अगर बात करें तो पुंकेसर अपने पराग कोष और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, यानी कि पुंकेसर अपने पराग कोष और पत्तियों से मिले होते हैं। पुंकेसर किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो ये है, पुंकेसर बोलते हैं किसको? एंड्रोसियम को। किसको बोलते हैं बच्चा? एंड्रोसियम को। एंड्रोसियम जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, पराग कोष कहा जाता है एंथर को। ये तो मिला ही मिला होता भाई, आप देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? फिलामेंट। जैसे ये क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जाता है। अब इन स्ट्रक्चर में ऊपर एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता, होता नहीं होता, इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वह एंथर होता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वह एंड्रोसियम होता है। अब इस टोटल को मिलाकर हम एंड्रोसियम, टोटल को मिला के हम फिलामेंट बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर लीफ से कनेक्टेड होता है, यानी कि पत्तियों से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो पत्तियों से जुड़ा होता है ऐसे कौन से फैमिली के प्लांट होते हैं? तो बच्चा इसकी अगर सही बात करें तो कंपोजिट फैमिली के प्लांट होते हैं। कौन सी फैमिली? कंपोजिट। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, कंपोजिट के होते हैं। ठीक, कंपोजिट फैमिली।
बिल्कुल इसका कंपोजिट ही सही होगा। मैथ स्टूडेंट, कोई बात नहीं मेरे लाल, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी कैसे सीखेंगे। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, लिखा लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ द आयरन कॉस्ट बाय। ये तो बच्चा आंसर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सारे गलत। लोहे की कमी से अगर बात करें तो इसमें सही जवाब स्कर्वी होगा। स्कर्वी कैसे हो सकता है? स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसकी अगर बात करें, आज हमको लगता है आईसीएसटी है, जिसमें मतलब ऐसा एक पीपीटी बनी है जिसमें मऊ ज्यादा हो रही है। इसका सही जवाब होता है एनेमिया। क्या होगा बच्चा? एनेमिया। एनेमिया जो होता है उसको रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता। भी नहीं होगा बच्चा, पोलियो नहीं होता, वो एक वायरस डिजीज है। रक्त अल्पता होती है, रक्त अल्पता यानी कि खून की क्या आ जाना, कमी आ जाना। इसमें खून क्या हो जाता, कमी हो, खून की कमी आ जाती, आयरन की कमी के कारण। ठीक, एनेमिया होता। अगला क्वेश्चन बच्चा सभी लोग देखें, सर्जन कुमार सी, क्योंकि आयरन की कमी से होता है ना, क्या सी? रिकेट्स नहीं होता है, ना ना ना, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑर्गेनिज्म इज रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? सबसे पहले सही जवाब किसका आया है? देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका दिया गया है। तो सबसे पहले सही जवाब जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? वैसे फिर भी सही जवाब सबसे पहले फिर किसने दिया है? रवि वर्मा ने सही जवाब दिया है। बड़ी अच्छी बात है। इसकी अगर बात करें तो इसको कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि इसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इकोलॉजी में जो इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, ज्यादातर बायोटिक कंपोनेंट की ही यहाँ बात होती है। जो बायोटिक कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसी का स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि इसमें हम पर्यावरण और उस पर्यावरण में रहने वाले जो जीव हैं उनके पारस्परिक संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जूलॉजी की अगर बात करें तो ये एक प्राणी विज्ञान है जिसमें केवल और केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान है, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। प्लेनोलॉजी अगर इसकी बात करें तो इसमें बच्चा बहुपद यानी कि किसी भी क्षेत्र की चीजों के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। बहुत अच्छे, सबसे पहले हम दिए थे आंसर सर। देखते हैं बच्चा सूरज कुमार मेरे लाल, देखते हैं भाई सूरज कुमार, नहीं सूरज कुमार, हाँ वेरी गुड सूरज कुमार, नहीं सूरज कुमार जी आप आंसर सही सबसे पहले नहीं दिए। सबसे पहले क्या कहते हैं, आंसर जो आया है वो रवि वर्मा का ही आया। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका। सॉरी माफी चाहते हैं भैया, वैसे जब जब मैं एसी चलाता हूँ तब तब हमारे गुण बदलने लगते हैं। एसी को बंद कर देना ही मेरे लिए बेहतर बात, वैसे ठंड भी लगने लगी थी। चलिए, लिखा है विनिमय किसके दौरान होता, क्रॉसिंग ओवर, ऑकर्स ड्यूरिंग। देखते हैं अब भाई सबसे पहले सही जवाब किसका होगा। देखिए क्वेश्चन जरूर लिख के दें, क्वेश्चन के साथ ही अगर आप आंसर देंगे तभी मैं आंसर कंसीडर कर पाऊंगा, क्योंकि बी सी अगर लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलता वो किसका है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई इसका सही जवाब किसने सबसे पहले दिया है, मैं देख लेता हूं। तो इसका सबसे पहले सही जवाब जो है, सबसे पहले सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, मैं अब देख रहा हूं सबसे पहले सही जवाब इसका, सबसे पहले सही जवाब तो इसका अगर सबसे पहले सही जवाब की अगर हम बात करें, देखिए बच्चा इसमें ध्यान दीजिए सभी लोग,
देखिए बता देते हैं इसमें अगर बात करें तो इसको समझिएगा सबसे पहले सही जवाब। अब हम जानते हैं कि तुम लोग को पता चल गया है, इसको बच्चा अगर हम बात करें तो इसको काइटिन भी, इसकी अगर बात करें तो पैचिटिन भी इसको कहा जाता। क्या कहा जाता? पैचिटिन। पैचिटिन जो होता है उसकी अगर बात करें तो ये कौन सी विधि है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है? कम जो मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस प्रोसेस की पहली स्टेज होती, मूल रूप से मियोसिस प्रोसेस की जो पहली स्टेज होती है इसमें जीन कॉम्बिनेशन होता है, जिसको प्रोफेज वन आप बोलते हो। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से आप जानते हो सिनोप्सिस के नाम से। किस नाम से जानते हो? सिनोप्सिस के नाम से। इसलिए ये गलत होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा पैचिटिन की अगर बात करें, ये बच्चा वर्ड कभी कभी पढ़ने को मिलता है। तो जीन जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं एक दूसरे से, जीन जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम की अगर बात करें, क्रोमोसोम की सिंगल यूनिट को ही जीन कहा जाता। तो उसी के बीच क्या होता है? जेनेटिक पदार्थों का क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक, जो रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, उससे तैयार होता है, रिकम्बिनेट होकर नए क्रोमोसोम का क्या होता है? निर्माण होता है एक दूसरे। जैसे आप खुद देखे, जैसे एक माता का क्रोमोसोम मिलेगा और एक पिता का क्रोमोसोम मिलेगा। अब एक माता और एक पिता का क्रोमोसोम मिलेगा, ये क्या होते हैं? रिकम्बिनेट होते हैं, फिर उसके बच्चों में उसके गुण देखे जाते हैं, तो उससे एक नया क्रोमोसोम तैयार होता, नया तैयार होता, उस हिसाब से गुण उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बाहुलाह त्वचा पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड? किसमें भैया पाया जाता है? तो इसका सही जवाब देखते हैं भाई, सबसे पहले किसने दिया है? 22 का क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले सही जवाब सबसे पहले आया है बच्चा इसका, राजू पटेल का। राजू पटेल, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। इसका सही जवाब जो होगा वो नेरियम होगा। क्या होगा बच्चा? नेरियम। करेक्ट आंसर जो क्या है वो क्या है? नेरियम है। राजू पटेल का सबसे पहले सही जवाब आया है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो नेरियम, नेरियम होता क्या है? यहाँ पे अगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बहुल बाह त्वचा पाई जाती है, इंग्लिश पढ़िए, लिखा इन विच द फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इन फाउंड, यानी कि एपिडर्मिस जो होती है उनकी मल्टीपल लेयर पाई जाती है, मल्टीपल पाई जाती है उसमें, जैसे प्रोटोडर्मल होता है, फिर क्या कहते हैं मल्टी मल्टीसेरिएट होता है, फिर पेरिक्लोनिकल होता है, कई सारी यानी कि त्वचा में उनके लेयर होती। तो ऐसा एक ही जीव है जिस जीव का नाम नेरियम, जिसमें क्या होता है? एपिडर्मिस कई सतह में क्या होता है? बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, स्टार्च है, सुक्रोज है, या स्टार्च है, सुक्रोज है, या हम बात करें स्टार्च है, सुक्रोज है, या फास्फोरोग्लिसरेट है, फास्फोरोग्लिसरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, सभी लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए इसका सबसे पहले सही जवाब जो बताया गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या है। और सबसे पहला सही जवाब 23, सबसे पहला सही जवाब 23 का जो दिया गया है उत्पाद है उस, वो दिया गया स्टार्ट डे विथ फन के द्वारा। स्टार्ट डे विथ फन जो है उन्होंने बताया है, ठीक नहीं लिखा है, द प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद जो है बच्चा ये फास्फोरिक ग्लिसरिक एसिड होता है, और फास्फोरो ग्लिसरिक एसिड जो होता है इसी से तैयार होता है ग्लूकोज, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये क्या है बच्चा? फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन के तीन यौगिक होते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये तैयार होता है, इसी समय इसके दो साथ मिलकर ग्लूकोज के अणु बनाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि प्राइमरी अवस्था में ना स्टार्च नहीं होता मेरे लाल, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है यही क्या होता है, इसमें पूछा गया प्राथमिक उत्पाद,
प्रथम स्थायी उत्पाद। तो सबसे पहले फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और इस फास्फोग्लिसरिक एसिड से निर्माण होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज की अगर बात करें तो इसे लास्ट प्रोडक्ट कह सकते हो या तो इसे फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ग्लूकोज को ही भोजन के रूप में ये लोग क्या कहते हैं, यूज करते हैं। बच्चा समझ में आई बात? बोलो मेरे लाल सब लोग। तो आज के लिए बच्चा इस क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी मुझे तुरंत क्या कहते हैं अगली क्लास में इंटर करना है। नेक्स्ट अनअकैडमी पे क्लास स्टार्ट हो रही है, तुरंत 10:05 पे इंटर करना है। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आज क्लास यहीं पे रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की कमी है। और आप लोग रोज क्या कहते हैं 9 PM पे हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर बच्चा किसी को भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो फोरवाल10 कोड का यूज कीजिए, और फोरवाल10 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।